अमेरिका ने दी ईरान को चेतावनी, इजराइल को अमेरिकी कवच। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में माहौल गरमाया है। हमास नेता इस्माइल की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल को उसके परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। ईरान और उसकी सपोर्ट करने वाले हिजबुल्ला और हूती जैसे गुटों से इजराइल को संभावित खतरों के जवाब में अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ जंग भी हो। इसी बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर आज यानी 5 अगस्त को हमला कर सकता है, क्योंकि पेंटागन यानी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने इजराइल पर ईरान के जवाबी हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी विमान वाहक पोत, एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर समेत कई युद्ध पोतों की तैनाती की है। गाजा जंग की शुरुआत के बाद से मिडल ईस्ट में अमेरिका की ये सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही मानी जा रही है। पेंटागन ने शुरुआत में टेररिस्ट समूहों की निगरानी और उनके हमलों का जवाब देने के लिए दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने जंग की तैयारियों पर जोर देते हुए CNN को बताया था, वो सिर्फ ये मानकर नहीं चल सकते कि वो भी संभावित रूप से उस तरह के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में सही संसाधनों की तैनाती हो और हर रूप से वो जवाब देने में सक्षम हो। इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंचे हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर स्क्वाड्रन के अलावा अमेरिका ने मध्य पूर्व और भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भी भेजे हुए हैं। हालांकि इसमें शामिल युद्ध पोतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इस साल अप्रैल में इसराइल के खिलाफ ईरानी मिसाइल हमले को रोकने में शामिल रहे थे। ये फैसला इसराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को देखते हुए लिया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति में बदलाव का आदेश दिया था। मध्य पूर्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की उपस्थिति बनाए रखने के लिए उन्होंने फिलहाल सेंट्रल कमांड एरिया में तैनात USS थियोडोर रिजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की जगह USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती का आदेश दिया है। गाजा और लेबनान इसराइल सीमा पर चल रहे जंग के बीच हमास के चीफ नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला के कमांडर फौद शुकर की हत्या के बाद इसराइल और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खा रखी है। ईरानी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी सेना स्थिति पर बारीकी से नजर रखी हुई है। इसी बीच इसराइल ने गाजा में अपना सैन्य अभियान जारी रखा है। इसी बीच रविवार यानी 4 अगस्त को अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने पर चर्चा भी की थी। अमेरिकी समाचार वेबसाइट के मुताबिक इस मीटिंग में ब्लिंकन ने अपने सहयोगी देशों से कहा, ईरान हिजबुल्ला सोमवार को इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ब्लिंकन ने आगे ये भी बताया कि हमलों की ठीक टाइमिंग के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन अंदाजा है कि 24 से 48 घंटों के भीतर जंग हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।